नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के 14 जिलों में बारिश के साथ वज्रपात के भी आसार, 4 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है, मंगलवार को इसका असर राज्य के 14 जिलों में देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के उत्तरी और पूर्वी मध्य हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में कहीं कहीं वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के शेष जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की जा सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की स्थिति कमजोर रही। राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं एक से दो स्थानों पर भारी बारिश हुई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश दुमका के खुशियारी में 77.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा में 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची और चाईबासा में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, नियुक्ति नियमावली को मिली मंजूरी, राज्य से 10वीं 12वीं करने पर ही मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में परीक्षा संचालन की 5 नियमावली को सरल करने के साथ 3 नई नियुक्ति नियमावली का गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इसके तहत अब अभ्यर्थियों को झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली के अंतर्गत अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि अब अभ्यर्थियों का झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया। पहले केवल मैट्रिक 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था, लेकिन अब झारखंड में स्थिति मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं से मैट्रिक 10वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने ऐसा स्थानीय युवाओं को वरीयता देने के लिए किया गया है। यह संशोधन 5 परीक्षा संचालन नियमावली और नई नियुक्ति नियमावली में किया गया है। कैबिनेट और कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादल ने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी, झारखंड में जल्द होगी चिकित्सकों की नियुक्ति। राज्य सरकार कोरोना से निपटने को लेकर कई स्तर पर तैयारी कर रही है, इनमें चिकित्सकों की नियुक्ति भी शामिल है। चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग से लेकर कार्मिक विभाग में फाइलें सरपट दौड़ेगी। एक माह के भीतर नियुक्ति पर स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कुल 455 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग को अनुशंसा भेज दी है। इन पदों पर नियुक्ति 3 अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर होगी। इनमें चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा तथा दंत चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा शामिल है। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें रिम्स को छोड़कर राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होने वाली नियुक्ति भी शामिल है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सकों, वरीय दंत चिकित्सकों तथा जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति शामिल है। झारखंड में नियोजन और रोजगार की राह में एक नए अध्याय की होगी शुरुआत। झारखंड सरकार ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने के वादे की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत नियमावली में सुधार और सभी वर्गों को एक समान अवसर मुहैया कराने के सोच के साथ होने जा रही है। कई विभागों में नियोजन के लिए नई नियमावली बना दी गई है और कुछ विभागों में संशोधन का काम चल रहा है। तमाम प्रयासों में सरकार की स्पष्ट मंशा दिखती है कि झारखंड में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक अवसर मुहैया कराया जाए। सरकार की कोशिश है कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई करने वालों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है और इस प्रस्ताव पर विधि विभाग, वित्त विभाग से लेकर महाअधिवक्ता तक के परामर्श लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन सभी परामर्श के बाद जो व्यवस्था बनेगी वह पूरी तरह से दुरुस्त होगी। नियुक्ति नियमावली तैयार होने के बाद रोजगार की राह के रोड़े भी खत्म होंगे और कानूनी अड़चनों को भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड के 8000 किसानों को सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप, सिर्फ 4% ही राशि का करना होगा भुगतान। राज्य सरकार की एजेंसी जरेडा इस वर्ष सितंबर तक 7940 किसानों को सोलर मोटर पंप सब्सिडी पर देगी। बताया गया है कि इसमें जरेडा द्वारा 66% और केंद्र सरकार द्वारा 30% सब्सिडी दी जाएगी। लाभुक को केवल 4% राशि का भुगतान करना होगा। इसमें 2 HP का मोटर लेने पर 3000 रुपये, 3 HP के मोटर पर 5000 रुपये और 5 HP के मोटर पर 7000 रुपये किसानों को देना होगा। आप सबको बता दूं कि मोटर की लागत 2 से 2.5 लाख रुपये तक है। झारखंड में मनरेगा में अब मोबाइल पर फोटो देखने के बाद ही मिलेगी मजदूरी।
झारखंड में मनरेगा योजना की निगरानी के लिए दो एडवांस ऐप विकसित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मोबाइल ऐप के जरिए मनरेगा के सभी योजनाएं कार्य कर रहे मजदूरों की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेगा। इसके तहत मनरेगा मजदूरों को कार्यस्थल पर काम करते हुए फोटो लिया जाएगा। मजदूरों के उपस्थिति की विवरणी और फोटो ऐप में अपलोड किया जाएगा। फोटो अपलोड होने के बाद ही उन्हें मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।